जय हिंद दोस्तों, मैं तो अपना गुरसेवक सर गुरसेवक इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से तुहाडा एक बार फिर तो तहे दिलों स्वागत करना दोस्तों। तो मैं उम्मीद है तुसी जिथे भी होंगे बहुत वधिया होंगे। तो दोस्तों जिहड़ा की है प्लस टू वाले बच्चों की कुछ डिमांड आ रही थी भी सर जिहड़ा की है अपना मिस भीम का जिहड़ा करैक्टर स्कैच है वह करवाओ, ठीक है। उहदे विच मतलब करवाया होया ऑलरेडी, वैसे जिहड़ा पहला लैक्चर है वह ऑलरेडी जदों हुण प्लस टू वाले बच्चों के जिहड़े की है मार्च 2020 दे विच जिहड़े बच्चों के जिहड़े की है एग्जाम होए आ उहदे विच जिहड़ा ये जिहड़ा की है जिहड़ा अपना करैक्टर स्कैच जिहड़ा अपना सीगा मिस भीम का वह अपलोड की हुई है वीडियो, ठीक है। बट कई बच्चों का जो की है डिमांड आ रही है भी सर इन्हों पॉइंटा दे विच करवाओ, ठीक है। की करवाओ पॉइंटा दे विच करवाओ। दोस्तों सब तो पहले तो मैं तुम्हें दसदा जो अपना की है 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन है जोड़ा अपन एवरी ईयर आना होंगे, ठीक है, करैक्टर स्कैच के विचों। दूजी गल दोस्तों देखो, अगर वधिया लगता है अगर तुम किसी चीज़ को वधिया पॉइंटा के तोड़ के लिखते हो तो वधिया फील होंगे, वधिया लगता है। एग्जामीनर भी थोड़ा जहा सौखा होंगे भी जोड़ा की है चैकर जो हों भी मतलब थोड़ा ईजी हो जाता चैक करना, तो बहुत जल्दी जोड़ा कि बच्चे दावनावान समझ सकता है भी हाँ भी इस बच्चे वाकई मतलब जी बहुत सारे जोड़े की है नॉलेज है, ठीक है। सो दैट वो जे कि मार्क्स वधिया आते हैं, बहुत वधिया चीज़ है। एक लड़की ने मैंने पूछा सी भी सर भी जोड़ा की है ये पॉइंट बना के दसो, ठीक है। तो पॉइंटा के दसिया, ठीक है, पॉइंट पूछे से पॉइंटा बारे मैंने कहा, ठीक है। तो वो की है दोस्तों वैसे तो जोड़ा कि नॉर्मल बच्चे लिखते हैं वो करैक्टर स्कैच में विदाउट जोड़ा की है विदाउट विदाउट टॉपिक मतलब जोड़ा कि विदाउट पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। बहुत रेयर चांस होंगे भी कुछ कु बच्चे होंगे जोड़े कि पॉइंट्स के लिखते हैं, ठीक है। सो दैट ये पिछले कई सैंटिफिक जोड़े रीजन होंगे उन्होंने मैं ज़्यादातर जी की है नहीं करूँगा चर्चा, ठीक है। बट डिमांड आई है बच्चों की तो वह मतलब जोड़ा की है बच्चों की डिमांड में पूरा करना गुरसेवक सर का फर्ज है, ठीक है। तो करांगे भी दोस्तों, ठीक है। तो वैसे जिहड़ा की है 2021 का जिहड़ा बैच होना है 2021 का जिहड़ा सैशन होना उसके वास्ते सारी जिहड़ी इंग्लिश दियां वीडियोज़ है वो दोबारा तो अपलोड कीतियां जाणगियां ते बिल्कुल सहजमती नाल कीतियां जाणगियां जिस तरह आपां की है हिस्टरी दियां वीडियोज़ आपां नाल नाल चला रहे हैं। दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जिहड़ा आपां की है टू द पॉइंट गल करते हैं। टू द पॉइंट गल ये है भी दोस्तों जिहड़ा की है मैं देख रहा भी बच्चे जिहड़ा की है नैट की बहुत ज़्यादा जिहड़ी की है वो हैल्प लै रहे हैं, ठीक है। मैं तुम्हें जिहड़ा अपना जिहड़ा की है करियर मेंटोर वाला जिहड़ा की है दोस्तों अपना जिहड़ा की है लैक्चर चल रहा राति 9 बजे जिहड़ियां आपां नूं वीडियोज़ मिलदियां है। खैर अज वैसे तो सैशन है नहीं सी कोई भी शनिवार सी बट बच्चों की डिमांड आई भी सर जिहड़ा की है पॉइंट्स दे विच दसो तो उन्हां वास्ते मैनूं आउणा पिया दोस्तों, ठीक है। तो देखो दोस्तों जिहड़ा की है उहदे वी जिहड़ा की आपां वीडियोज़ बिल्कुल नवें तो नवीआं पावांगे वधिया तो वधिया अप टू डेट करके पावांगे, डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। तो दोस्तों जिहड़ा कि ज़्यादा समा ना वेस्ट करते हुए आप चलते हैं अपने कंसैप्ट दे वल। तो मैं ये नोट कर रहा है जिहड़े की है जिहड़े बच्चे इस तरह जिहड़ा कि हुंदा वो आपदा कि नैट की बहुत ज़्यादा जिहड़ी कि हैल्प लै रहे हैं। दोस्तों देखो हैल्प की जिहड़ी कि नैट की हैल्प लेना माड़ी गल नहीं है, मैं नहीं कहिंदा भी नैट की हैल्प लेना माड़ी गल है, बट फस्टली आप ट्राई करो, ठीक है। अगर नहीं सोल्यूशन निकल पाता तो दोस्तों तुसी जरूर जिहड़ा की है नैट की जिहड़ी की हैल्प तुसी वह ले सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा अगर तुसी डिपेंडेंट रहोगे, ठीक है, नैट पर तो तुहाडे वास्ते माड़ी गल है। दोस्तों फस्टली जिहड़ा की है आ जिहड़ा अपना माइंड है ना बहुत पावरफुल माइंड है, तो इहदा यूज़ करो, इहनू यूज़ करो, वध तो वध इहदा यूज़ करो, जिन्ना इहदा यूज़ करोगे उन्ना तुहाडे लई बेनीफिशियल होगा, ठीक है। सो दैट दोस्तों आपां चलदे नैक्सट कंसैप्ट दे वल। मैं हुण दसदा भी जिहड़ा की है बच्चे किस तरह नैट की जी की सहायता लै रहे हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक गल दसदा जी अपने की है नैट पर जिहड़ा अपना मतलब ये पॉइंट पे हुए है जिहड़े कि मैं हुण तुहानूं मैं दसदा, ठीक है। नैट पर जिहड़े पॉइंट पे हुए है तो जिहड़ियां पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दी जिहड़ियां बुक्स है उन्हां विचों कुछ भी जिहड़ा की है दूर दूर तक उन्हां दा रिश्ता नाता फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है। दसदा मैं तुहानूं मैं लिया सी स्क्रीनशॉट देखो दोस्तों आप या तुहाडा हुण जिहड़ा की है ये तुहाडा नैट की जिहड़ी की है नैट तो लिया गया एक जिहड़ा की है बच्चों ने यही लिया होया नैट तो, ठीक है। तो ये तुसी खुद देखो भी जिहड़ा की है गाइड है अपनी प्लस टू की ज़्यादा तुसी इंग्लिश की गाइड देख लो प्लस टू की जां तुसी बुक देख लो, ठीक है। इन्हां विचों जिहड़ियां की है बहुत सारियां लाइनां जिहड़ियां वो मतलब मिसमैच है नहीं मिल रही, ठीक है। दोस्तों ये एक अलग दी दुनिया की जिहड़ी की है बुक्स है, ठीक है। ये मैनूं डिमांड ते बच्चों के बनाउणी पई बट जिहड़े 90% बच्चे आ इस तरह नैट तो नहीं करदे कि नैट तो कुछ बच्चे जिहड़े की है इस तरह के कंसैप्ट चकदे आ दोस्तों तो वो जिहड़ा कि दूजे बच्चों का भी जिहड़ा कि नुकसान हो जाता। देखो दोस्तों की क्या होया मिस भीम वाज द डायरैक्टर ऑफ
ਆ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਸ ਬੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੀਮ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਸਿੰਪਥੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਬੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਧ ਖੜ ਉਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਮਿਸ ਬੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮਤਲਬ ਅੱਧ ਖੜ ਉਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਸੀ ਸੋਚ ਸੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣ ਹੀ ਹੋਣ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਹੋਣ ਹੀ ਹੋਣ ਬਟ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਵੇਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਥੀਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਚੋੜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਟੈਲੈਂਟ ਭਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੀ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਵੈਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮਿਸ ਬੀਮ ਵਾਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਅ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਅਰ ਬੋਆਇਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਟੇਡ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਬਟ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਸਕੂਲ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਵ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਦੋਸਤੋ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈਵ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਦੋਸਤੋ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲਿਵ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦਾ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਾਈਂਡ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡੈਫ ਮਤਲਬ ਬਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਲੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੰਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰ ਅ ਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਐਨੂਅਲ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੇਮ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਔਨ ਅ ਡੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਨ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈਡ ਟੂ ਬੀ ਬਲਾਈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਕਿਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ ਜੇ ਸ਼ੀ ਔਰ ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਕਵਰ ਹਰ ਹਿਜ਼ ਆਈਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਦੋਸਤੋ ਹਿਜ਼ ਜਾਂ ਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਿਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਹੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਆਈਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੂਵ ਅਰਾਊਂਡ ਵਿਦ ਸਮਵਨਸ ਹੈਲਪ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਹੈਲਪ ਮੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਔਨ ਅੱਗੇ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਡੇ ਵੈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਡ ਹਿਜ਼ ਲੇਮ ਡੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬਹਿਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਲੇਮ ਬਾਏ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਲੈਗਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਸੋਰੀ ਦੋਸਤੋ ਲੇਮ ਡੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਮ ਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਲੰਗੜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਅਰ ਆਫ ਕਰਚਿਸ ਪੇਅਰ ਆਫ ਕਰਚਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੋਗਸ ਨੇਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੋਗਸ ਨੇਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਦਿਸ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
वाज टू वह बनाना चाहते की बनाना चाहते मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड मतलब एक की है समझदार बच्चे बनाने चाहते से इन्हों ट्रेनिंग्स दे रही ठीक है द स्ट्रगल्स ऑफ डिसएबल्ड परसनस वो ये दिखाना चाहते सी भी तुम्हें भी पता लगे हर एक पता लगे भी जो डिसएबल्ड परसन होंगे ना बेचारे जो हैंडीकैप्ड परसन होंगे है उन्होंने की बीतती है उन्होंने लाइफ कहो जी होंगी है अराउंड द वर्ल्ड सारे वर्ल्ड के किमें उन्हों की लाइफ होंगी है एंड डिवेलप सिंपथी एंड केयर तो उन्होंने मन के एक दया भरी जाती सी तो उन्होंने प्रति केयर करने क्या जाता है ठीक है दोस्तों नैक्सट देखो दोस्तों हुण देखो प्लीज वेट अ सैकेंड आफ्टर दैट वॉच इट प्लीज देखो भी दोस्तों नैक्सट देखो हुण मिस बीम बारे ये आ गए पॉइंट ठीक है ये आ गए पॉइंट जिहड़े बच्चे अज काफ़ी मतलब डिमांड कर रहे थे भी सर सानू पॉइंट्स चाहिए मिस बीम बारे कुछ पॉइंट दोस्तों मैं तुहाडे सामने लैके आया इन्हां नूं मैं एक्सप्लेन कर दिना ठीक है राइट डाउन तुहानूं खुद करना पएगा अगर तुसीं राइट डाउन मतलब दोस्तों देखो अपना टैलीग्राम ग्रुप जिहड़ा की है गुरसेवक इंस्टीट्यूट 13-12 उन्हूं फॉलो कर लो ग्रुप नूं ठीक है उत्थे तुहानूं सारे PDF मिल जाया करनगे ठीक है ये PDF भी मैं उत्थे जिहड़ा की है तुहानूं दे दूंगा प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है हुण मिस बीम बारे देखो दोस्तों एक तां ग्रे हेयर्ड हुण देखो दोस्तों ग्रे हेयर का मतलब की हुंदा देखो अधखड़ उम्र की औरत सी ओह ठीक है हुण देखो जो आप अधखड़ उम्र का कोई भी व्यक्ति जिहड़ा की है बुढ़ापे वाल जाऊगा ठीक है तो की है ग्रे हेयर्ड होणगे उहदे मतलब जिहड़े वाल तुसीं देखे होणगे उह सफेद होने शुरू हो जांदे ठीक है मतलब अधखड़ उम्र की सी तां उहदे ऑलरेडी मतलब जिहड़े की है हेयर सी ओह मतलब ग्रे सी मतलब सफेद रंग दे हो चुके सी ठीक है एक तो यह पॉइंट तुसी नज़रिए दे विच रखना दूजा पॉइंट की क्या होया जी मिडल एजड यह मैं तुहानू ऑलरेडी दस चुका मिडल एजड मतलब वह की अधखड़ उम्र की सी अधखड़ उम्र असीं उहनू कहिंदे आ दोस्तों जिहड़ा की है वी ना तो जवानी च होवे बंदा ते ना बुढ़ापे दे विच होवे उहदी जिहड़ी विचकारली एज हुंदी आ ना उहनू मिडल एजड कहा जांदा ठीक है नैक्सट पॉइंट है थर्ड पॉइंट देखो दोस्तों सिंपथैटिक सिंपथैटिक का मतलब की हुंदा दोस्तों सिंपथैटिक का मतलब हुंदा जे आपां गल करिए हमदर्दी भरिया ठीक है वह हमदर्दी भरी सी ठीक है हुण मैं तुहानूं दस्सदा इत्थे एक काइंड शब्द लिखा गया तो एक सिंपथैटिक लिखा दोनों का मतलब तुसीं एक सेम समझ सकते हो इहनूं कॉमन कर लो पॉइंट नूं ठीक है जिहड़े बच्चे सिंपथैटिक याद कर सकते हो सिंपथैटिक कर लो जिहड़े काइंड कर जिन्हां नूं काइंड चंगा लगदा काइंड कर लो ठीक है सिंपथैटिक वह एक हमदर्दी वाली औरत सी उहनूं हमदर्दी हुंदी सी हर एक नाल मतलब अगर कोई पुअर परसन मिलदा सी जां हैंडीकैप्ट मिलदा सी तां उह बहुत मतलब उहनूं तरस आउंदा सी उहनां ते इहनूं असीं सिंपथैटिक कहिंदे हां जां काइंड कहिंदे हां ठीक है कंफर्टिंग का मतलब की होंदा दोस्तों कंफर्टिंग का मतलब यह होंदा कंफर्ट तुसी ए वर्ड जिहड़ा बनया कंफर्ट वर्ब की फस्ट फॉर्म है तो कंफर्टिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है दोस्तों ठीक है ING वाली फॉर्म जिन्होंने कहने कंफर्ट का मतलब होंदा जदों आपां किसी चीज़ के सैटिस्फाई होंने की होंने जो आप किसी चीज़ के सैटिस्फाई होंने सैटिस्फैक्शन होंने मतलब संतुष्ट होंने आपां नूं किसी भी तरह का कोई डर या मतलब किसी भी तरह का आपां नूं औख नहीं होंदी तंग नहीं ना होंदे जिहड़े जोन के आपां उन्हां नूं कंफर्ट जोन कहने दोस्तों ठीक है वो मतलब एक कंफर्ट जोन के रहने वाली औरत सी नैक्सट देखो रिस्पोंसिबल सी तो यार जाहिर जी गल जो डायरैक्टर सी ना एक स्कूल दी तां स्कूल दे डायरैक्टर साहब होणगे तां उह रिस्पोंसिबल जरूर होणगे की होणगे उह रिस्पोंसिबल जरूर होणगे रिस्पोंसिबल दा मतलब हुंदा दोस्तों जिम्मेवार नैक्सट देखो एक्सपीरियंसड उसनों मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस सी दोस्तों सोसाइटी का भी उसनों जिहड़ा दुनियादारी का भी मतलब हर एक मतलब फील्ड की जो गल करिए उसनों काफ़ी एक्सपीरियंस सी एक्सपीरियंस का मतलब तुहानूं पता ही है डीयर जिहड़ा हुंदा एक्सपीरियंस का मतलब हुंदा जिहड़ा आपां नूं तजर्बा जी आप कह दें ठीक है नैक्सट देखो पॉइंट हैल्पफुल फॉर सोसायटी तो उन्हें एक की सोसायटी की हैल्प ना ही स्कूल खोलिया दोस्तों ठीक है तो मतलब सोसायटी के जोड़े मतलब पुअर लोग रेंदे गरीब लोग रेंदे कोई हैंडीकैप्ट रेंदे वैसे भी अगर उन्होंने कोई कह दिता सी ना भी सानू हैल्प चाहिए तो वो हैल्पफुल जरूर सी हैल्प करती सी नैक्सट देखो जी फेथ इन प्रैक्टिकल फेथ का मतलब होंगे भरोसा करना ठीक है भरोसा जिन्होंने कह दें इन प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल करने जिहड़ा की है वह विश्वास ज़्यादा सी तो दोस्तों वह की करती सी फिर उही गल आ गई भी वह की करती सी दोस्तों भी जिहड़ा की है उसनों जिहड़ा की है प्रैक्टिकल दे विच काफ़ी जिहड़ा की है भरोसा सी ठीक है तो आप दस्सिया ही है जिहड़ी ट्रेनिंग सी सारी वह प्रैक्टिकली ट्रेनिंग करती सी की करती सी बच्चों की सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करती सी ठीक है तो आपको पता ही है भी इतों पता लगता भी मतलब ये दोस्तों देखो प्रैक्टिक जिहड़े बच्चे ने अज मतलब डिमांड की है भी सर सानू पॉइंट चाहिए है पॉइंट तो होर भी बहुत आ जाएंगे दोस्तों ठीक है पॉइंट होर भी बहुत आ जाएंगे अगर तुसी चाहो तो ये मिनीमम 10 पॉइंट होर जुड़ सकते हैं बट आपां लिमिट देखनी पैनी है जिहड़ा अपना की है करियर मेंटोर वाला रात वाला जिहड़ा सैशन चल रहा है दोस्तों वो की है मैं यही गल्लां दसियां सुबह जिहड़ा अज आपां जिहड़ी वीडियो अपलोड की है कल राती तां खैर उहदे च वॉइस नहीं आई सी अज वाली वीडियो दे विच जो मैं दस्सिया सी उहनूं चंगी तरह निहारो देखो उहदे विच देखो भी मैं कहना की चाहुंदा
क्वेश्चन देखो वो लिमिट न समझो ठीक है। तो हूँ मतलब थोड़ा आई थिंक जेडे की अठ नौ पॉइंट मैं तुम्हें लिखाते हैं, अठ नौ पॉइंट लिखोगे तो इन्ने वर्ड तो वैसे ही बन जाने दोस्तों, तो वैसे ही बन जाने हैं। सो दैट आई थिंक तुम्हें वीडियो बहुत वधिया लगी होगी दोस्तों, वधिया लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर तो कमेंट करना ना भुल्यो जी। उन्नी तेजी जिनी तेजी करोना भी नहीं पहुँचा ना तो उत्थे भी वीडियो पहुँचनी चाहिए। वाकई अगर तुम गुरसेख सर दिलों लाइक कर दो दोस्तों तो यार वीडियो सारे अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स से सेंड कर दो। दूजी गल अगर तुम पी डी एफ चाहते हो ठीक है तो दोस्तों गुरसेवक इंस्टीट्यूट का जोड़ा कि है टैलीग्राम ग्रुप से जाके गुरसेवक इंस्टीट्यूट 13-12 ठीक है डिस्क्रिप्शन लिंक है, तुम जाके उन्होंने की कर सकते हो ग्रुप में ज्वाइन करो, उ सारिया PPT सारे PDF तुम्हें मिलने दोस्तों। उन्हें चर अपना अपने परिवार का अपनी स्टडी का ख्याल रखो, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के उन्हें चर दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।